बताइए यार, हमने नया अरे भाई साहब सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो फिर यार आज जैसा कि तुम लोगों को पता ही है यार, हमने नया हेलमेट लिया था अपने एक्सोर का। अरे भाई चलिए, अपने शुभम भाई हैं और आज ना हमने मतलब आज क्या बहुत टाइम पहले तुमने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने नया हेलमेट लिया था, तो उसके थोड़े से यार सिनेमैट्स वगैरह लेने आए थे। तो अभी मैंने अपना कैमरे को सराउंड कर दिया है, अब देखते हैं यार कि कैसी ऑडियो रिकॉर्ड होती है। बेसिकली होप फॉर द बेस्ट कि ठीक ही होगा। कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा यार, नाउ इट्स गुड। चलो यार चलते हैं फिर फटाफट से घर और चलो देखते हैं बताते हैं। तो फिर यार मैंने लिया था नया हेलमेट एक्सोर का, जैसा कि तुम लोगों को बताई है। और यार मैंने बोला था कि मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, सरप्राइज रखूंगा कि मैंने कौन सा हेलमेट लिया है। तो यार मैंने लिया है अपना एक्सोर का वेनमस हेलमेट, और इस वीडियो में थोड़ा बहुत विंड नॉइज आएगा तो यार सह लेना, क्योंकि बेसिकली इसमें मैंने अपना पुराना वाला ही माउंट लगाया और उस माउंट की वजह से ना यार मेरा जो ये वाइज़र है ये प्रॉपरली बंद नहीं हो पा रहा है, मतलब हल्का सा गैप आ रहा है। तो फिर मैं विद इन एक दो दिन में अपना नया वो भी ले लूँगा। भाई वीली उठा रहे इनकी नंबर प्लेट मेरे को वो करनी पड़ेगी, ठीक है। दिखे ना इनका चलान वेदर पर लग रहा है रैश राइडिंग का। तो फिर मैं कहाँ था यार, हाँ कि मेरे को इसका नया माउंट लेना है, क्योंकि यार मतलब कि बेसिकली ना ऐसा वाला है जो अंदर टाई होता है एक बेल्ट टाइप का ना, वो एक्शन कैम या एक्शन में एक्शन प्रो, मैं तुम्हें कंपनी नाम बता दूंगा। तो उसका ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग खरीदना है खरीदना है। लेकिन जो मैं नेक्स्ट वाला लूँगा उसमें बेसिकली वो डबल साइड टेप का होता है, और वो भी बहुत से यार अपने मोटो ब्लॉगर्स हैं वो लोग यूज़ करते हैं, मतलब वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और ऐसे कैमरे को ना गिरने नहीं देता। तो फिर मैं सोच रहा हूँ उसको स्विच करने के लिए, क्योंकि यार एक तो मतलब कि अंदर का कोई सिस्टम रहेगा, सब कुछ बाहर भी आ जाएगा उसमें। एक लूँगा अपना डेड कैट, जैसे कि मैं तुम लोग अपना प्रीवियस वीडियो बताते हूँ, क्योंकि यार डेड कैट ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं से हल्की फुल्की ना विंड नॉइस ना आ ही जाती है हेलमेट के अंदर। और ना ये अपने हेलमेट में बहुत ज़्यादा हेलमेट कह रहा है, ये अपने जो माइक हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और मतलब ये लोग हर कोई एक छोटी से छोटी वॉइस भी पकड़ लेते हैं। तो फिर इसके लिए डेड कैट बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मतलब वॉइस में क्वालिटी अच्छी आ जाएगी। और विंड नॉइस में बेसिकली जो आलतू फालतू वॉइस होती है जिसकी नीड नहीं होती है हवा की, ये एक्स्ट्रा नॉइस, तो मतलब कि वो सब बिल्कुल कम हो जाती है उसमें, जहाँ तक मुझे लगता है। ऐसा बताऊँ कि मतलब वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है, हल्की फुल्की मतलब कि डिस्टॉर्शन टाइप का तो आ रहा होगा, लेकिन वो भी सही हो जाएगा जैसे अपना ये बिल्कुल वाइजर अपना बिल्कुल क्लियर बन जाएगा। तो बेसिकली इसकी फिटिंग वगैरह यार बहुत अमेजिंग है, और क्वालिटी वाइज तो यार इतना बेस्ट है, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था 105,000। और भी रेंजेस होंगी, मतलब और भी हेलमेट्स होंगे इस कैटेगरी में, लेकिन मेरे को यार ये पसंद इसलिए है कि मेरे को हल्का सा ग्राफिकल टच चाहिए था, लेकिन कोई एज तक कोई चटक कलर नहीं चाहिए था, जैसे कि चटक होता है ना कलर अपने, तो मतलब वैसे कलर्स नहीं चाहिए थे मेरे को, एक डिसेंट बिल्कुल प्रॉपर अच्छा सा लुक जो मतलब कि इन्हांस करे एक तरीके से हेलमेट को और मेरी बाइक को। तो बस यार यही मोटिव था लेने का। और यार मेन चीज़ तो यार वही है अपनी कि अपने कंटेंट में ऑडियो सही है, और अपना अरे भैया इंडिकेटर दे दो, हाथ से ना रुकती गाड़ी। कंटेंट में जो ऑडियो क्वालिटी है वो अच्छी हो, विंड नॉइज थोड़ा कम हो, और सेफ्टी तो यार है ही अपनी, इसमें सेफ्टी का तो कोई दिक्कत नहीं है। बस चलो फिर यार चलते हैं फटाफट से घर की तरफ, और जो कुछ भी होगा आप लोगों को दिखाऊंगा। तब तक के लिए यार मतलब अभी तो करता हूँ कैमरा मैन, तब तक के लिए आप लोग देखो इस हेलमेट के सिनेमैट।
सिक्स को भी हेलमेट परचेज करना है ना। और तुम लोग अगर देहरादून में रहते हो तो यार अपनी एक शॉप है क्लॉक टावर पे, अपना जो गांधी पार्क दिखाया तुम लोगों ने उसके जस्ट बगल में एक दो शॉप छोड़ के मोटो जोन करके, अगर तुम लोग मैप में डालोगे ना तो मैप में बेसिकली दो आ सकते हैं, एक अपना ऋषिकेश वाला और एक अपना यहाँ वाला। देहरादून वाले पे ही जाना अगर तुम लोग देहरादून वाले हो, और अगर ऋषिकेश हरिद्वार वाले हो तो यार ऋषिकेश चल जाना, इनके पास ना अपना हेलमेट की ना रेंज अच्छी है। तो बेसिकली मेरे तो कहना कि जैसे हम लोगों ने देखा ही होगा, मैं सीधा गया था और बिना देखे कुछ भी नहीं देखा, सीधा जाके लेकर आ गया, क्योंकि यार मेरा पहले से डिसाइडेड था। और इसके एक दो दिन पहले ही मैं भैया से बात करके गया था कि भैया मंगा देना आप। और यार जो ये वैसे तो नॉर्मली शॉप्स में रहते ही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत साइज़ का ऊपर नीचे होता है ना जो, तो भैया को अपने मतलब कि वेयर हाउस से मंगाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ रखा रहता है ना स्टॉक मेजरली। तो फिर यार पहले बता देना एक बार भैया को कि मतलब कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो अरेंज कर देंगे। अगर इनके पास नहीं भी होगा ना तो विद इन एक दो दिन या फिर मैक्स टू मैक्स 4-5 दिन में भैया आपके लिए अरेंज कर देंगे। तो फिर यार जिसको वहाँ से लेना है तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और डिस्काउंट भी यार भैया बहुत अच्छा लगाते हैं अपना, और बस जाओ वहाँ से लो। ओ ओ ओ जी मेरे पे तो बुलेट है जी बुलेट क्या रश हो रहा है यार, अभी तो 4:48 ही हो रहे हैं। यहाँ से मैं जाना है लेफ्ट भाई, कोई रोके ना यार आजकल तो भाई क्या सीन है ना कि कुछ कुछ सर पुलिस वाले अंकल और यार रोक देते हैं कैमरा देख के ना। बल्कि भाई मेरे को जहाँ तक जो अंदर कैमरा लगा के घूम रहा है ना एक्शन के, मतलब जो मोटर ब्लॉग वगैरह बना रहा है, तो यार 99% लोग है ना, मतलब कि यार जो भी होंगे अपने मोटर ब्लॉगर्स उनके ना डॉक्यूमेंट प्रॉपर होंगे, क्योंकि यार कोई अपना इतना ये माउंट वाउंट लगा के घूम रहा है तो यार वो भयंकर कुछ ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ इलीगली चलेगा, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है या इंश्योरेंस नहीं है। तो फिर यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोगों को ऐसी किसी बड़ी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड राइड सेफ।